तो जैसा कि आपके पास क्या दिया गया है, डिटरमिनेंट दिया गया है 2/2 का, आपको क्या निकालना है, माइनर और कोफैक्टर। तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे लेट एम आई जे एंड सी आई जे आर माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ए आई जे। ठीक है, ये हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें A11 का कोफैक्टर चाहिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा M11, और M11 का मतलब क्या होता है कि वो रो डिलीट कर दीजिए और कॉलम डिलीट कर दीजिए, तो जो भी आपके पास डिटरमिनेंट बचती है वो M11 बोली जाती है। तो 1/1 की बचेगी आपके पास 3, तो दैट इज योर माइनर। इसी तरह से इस एलिमेंट का माइनर मतलब M12, A12 का माइनर M12 हो जाएगा, दैट इज ये रो ये कॉलम गायब और फर्स्ट रो गायब, तो जीरो बचेगा, दैट इज इक्वल टू जीरो। M21 तो दूसरी रो गायब, पहला कॉलम गायब, दूसरी रो पहला कॉलम गायब, -4 है ना। ये एब्सोल्यूट वैल्यू मत समझ लीजिएगा, ये डिटर्मिनेंट है 1/1 की, दैट गिव्स -4। फिर M22, A22 का माइनर, तो दूसरी रो दूसरा कॉलम गायब, क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो ये दीज आर द माइनर्स। अब क्या करें हम लोग, कोफैक्टर बताना है, तो रिलेशन क्या होता है, जो सी आई जे होता है दैट इज इक्वल टू -1 to the power i + j टाइम्स एम आई जे होता है। ठीक है, तो -1 की पावर i + j होगा, जब भी i + j आपका ऑड होगा तो माइनस टाइम्स हो जाएगा, अदरवाइज वो इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे, C ना कह के, चूँकि आपका जो इंडिकेशन जो आपका सिंबल NCERT यूज़ करती है वो A यूज़ करती है, तो हम भी A लिख दे रहे हैं। ठीक है, AIJ इज़ द कोफैक्टर। तो यहाँ पे A11 इज -1 to the power 1 + 1, और क्या हो जाएगा आपका M11, और इसका मतलब M11 आपके पास 3 है। ठीक है, यहाँ पे हम M11 3 है, और ये -1 की पावर 2 इवन है, 1 और प्लस का 1 आ जाएगा, दैट गिव्स 3। इसी तरह से कोफैक्टर ऑफ A12 ये हो जाएगा आपका A12, स्मॉल A12 का कैपिटल A12 हो जाएगा। क्या लिखेंगे आप, दैट इज -1 to the power 1 + 2, मतलब ऑड आएगा। अब ये M12, तो -1 टाइम्स, अब M12 आपका कितना है, 0 है, 0 रख देंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा आपका। ठीक है, A12 0 आ गया। इसी तरह से A21 दैट इज अ कोफैक्टर ऑफ 2-1 एलिमेंट, है ना, A21 एलिमेंट, -1 to the power 2 + 1 और M21, तो ये फिर -1 आ जाएगा, और इनटू M21 क्या है, M21 आपका -4 है, तो दैट इज +4। इसी तरह से A22 दैट इज -1 to the power 2 + 2 M22, M22 आपका 2 है और -1 की पावर इवन 1 आता है, तो ये आपका आंसर 2 आ गया। तो दैट इज योर फाइनल आंसर।